और आज मैं बना रही हूँ बेसन के चिल्ले की सब्जी। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा प्याज, एक बड़ा टमाटर, हरी मिर्च। इन तीनों को पीसकर मैंने पेस्ट बना लिया है। सरसों का पाउडर, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी और एक चुटकी नमक डालकर रखा है। बेसन, लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। अब हमने एक बर्तन में बेसन लिया, उसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डाला। नमक स्वाद अनुसार डालना है। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करना है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है और एक गाढ़ा घोल तैयार करना है। इस तरह से, ये घोल बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल लिया है मैंने और ये बेसन का घोल डालकर मैं इसका प्लेन चिल्ला बना रही हूँ। इसे थोड़ा देर पकने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है, इसे फोल्ड कर देना है। इसे दोनों तरफ से नहीं सेकना है, एक ही तरफ से सेकना है। अब इसे निकाल लेंगे। अब हम लोग ग्रेवी बना रहे हैं। इसके लिए कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल लिया, करीब 3 चम्मच सरसों का तेल लिया है मैंने। उसमें मैंने ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। इसे 2 मिनट पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें 2 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इन सारी चीज़ों को कुछ देर पकाना है। इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें सूखे मसाले डालने हैं, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। साथ ही साथ मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से पकाना है। इसे तब तक हमें पकाना है जब तक कि ये तेल न छोड़ने लगे। जब ये मसाले पक जाएंगे तो ये किनारे से तेल छोड़ने लगेंगे। उसके बाद इसमें सरसों का पेस्ट डालना है और सरसों का पेस्ट डालकर इसे थोड़ी देर पकाना है। इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये कड़वा हो जाता है। 2 मिनट पकाएंगे। इसके बाद इसमें करीब 3 से 3.5 कप पानी डाल देना है। हम लोग और भी बेसन के प्लेन चीले तैयार कर लेंगे। अब इसे पतले पतले टुकड़ों में काट कर फिर इसे ग्रेवी में डाल देना है। सारे पतले पतले टुकड़ों को ग्रेवी में डाल देना है।
अब हम लोग इसे उबाल आने तक पकाएंगे। उसके बाद 2 मिनट मध्यम आंच पर इसे ढक कर पकाएंगे। दो तीन मिनट के बाद इसे हटा के देखेंगे, ये पक चुका है। अब इसे निकाल लेंगे। यह तैयार बेसन के चिले की सब्जी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।